हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर अनीस। आज आप लोगों को दोस्तों डायबिटीज़ के बारे में बताएंगे। तो और डायबिटीज़ का 5 होम्योपैथिक मेडिसिन भी आज आप लोगों को बताएंगे दोस्तों। तो डायबिटीज़ एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। डायबिटीज़ कहते किसको है ये भी जानते हैं। तो ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, उसी को दोस्तों डायबिटीज़ कहते हैं। डायबिटीज़ 2 प्रकार के होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ जो है जो इंसुलिन डिपेंडेंट है, और टाइप 2 डायबिटीज नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, और उसमें होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही बेटर काम करती है दोस्तों। तो होम्योपैथिक मेडिसिन जो है, नंबर 1 मेडिसिन आपको बताया है एब्रुमा एनुगेस्टा। तो ये मेडिसिन जो है डायबिटीज केस में बहुत ही बेटर काम करती है। अब जैसे ब्लड शुगर को बहुत ही बेटर ढंग से कंट्रोल करती है, और डायबिटीज हो जाने के बाद शरीर में बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, उसको भी एब्रोमा एनुगेस्ट का जो बहुत ही बेटर काम करती है। तो आप एब्रोमा एनुगेस्ट का क्यू लें और मदर टिंक्चर लें, क्यू को मदर टिंक्चर कहते हैं दोस्तों, और 10 बूंद ताजे पानी के साथ सुबह दोपहर शाम 3 बार खाएँ, बहुत ही बेटर काम करती है। उसके बाद डायबिटीज़ की दूसरी दवा है सीजियम जम्बोर। ये भी बहुत ही डायबिटीज केस में बहुत ही बेटर काम करती है। ब्लड शुगर को तो नियंत्रित करती है। अगर ऐसा भी सिम्टम है कि जो पानी पीते हैं और बार बार टॉयलेट जाते हैं, तो उस केस में सीजियम जम्बोल बहुत ही बेटर काम करती है। तो कह सकते हैं डायबिटीज का ये बहुत ही सीजियम जम्बोल बहुत ही बेटर मेडिसिन है दोस्तों। और भी मेडिसिन है जैसे जिमनेमा। तो जिमनेमा होम्योपैथी का ही बहुत ही बेटर मेडिसिन दोस्तों। और अगर बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ के बाद आपको एक्सेस वीकनेस की समस्या है, तो आप जिमनेमा मेडिसिन क्यू पोटेंसी मिलें और 10 मिनट सुबह, 10 मिनट दोपहर, 10 मिनट शाम खाएं। उसके बाद और भी मेडिसिन है दोस्तों, जैसे एसिड फॉस। एसिड फॉस मेडिसिन जिनको मेंटल एंड फिजिकल बहुत ज़्यादा वीकनेस हो, वो पेशेंट जिनको बहुत ज़्यादा तनाव रहता हो, उसमें एसिड फॉस मेडिसिन आप 30 पावर में लेकर सुबह 2 बूंद 2 बूंद शाम खाएं, बहुत ही बेटर काम करती है। और भी मेडिसिन है दोस्तों, जैसे फास्फोरस, वो भी डायबिटीज कैसे बहुत ही बेटर काम करती है। अब डायबिटीज के कारण बहुत सारे रोग होते हैं, उसमें रोग अगर मिलता है सिम्टम आई विजन का प्रॉब्लम हो, आँख से देखने की जो प्रॉब्लम हो जाती है, उसमें फास्फोरस बहुत ही बेटर काम करती है। आप 30 पावर में लेकर के आप गोली के साथ लें, 4 गोली सुबह 4 गोली शाम खाएं, बहुत ही बेटर काम करती है। तो दोस्तों ये डायबिटीज की कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन थी जो बहुत ही बेटर काम करती है। ऐसे डायबिटीज का पेटेंट मेडिसिन बहुत सारे मिलता है। तो ये भी कह सकते हैं डायबिटीज का होम्योपैथिक में बहुत ही बेटर इलाज है दोस्तों। बस सिम्टम देख करके उसका बहुत ही बेटर इलाज होता है। लेकिन एक चीज़ और आप जान जाए, बिना जो दवा हम आप लोगों को बताए हैं, बिना फिजिशियन से पूछे वो दवा आप नहीं लें। अगर आप, क्योंकि ये दवा बुक में भी आपको मिलेगी, यूट्यूब पर भी मिलेगी, तो दवा अगर कोई भी खाते हैं तो आप नज़दीक के फिजिशियन से जा कर के समझ के तब वो दवा को लें। और भी एक चीज़ आप लोगों को बताएंगे दोस्तों, डायबिटीज का जो प्रॉब्लम है इसमें फिजिकल वर्क बहुत होता है। अगर फिजिकल वर्क अगर आप नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा, और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। दवा खाते हैं तो प्रॉब्लम, लेकिन दोस्तों अगर आप दवा खाते हैं और फिजिकल वर्क, मॉर्निंग एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं, सुबह तो घूमना जरूरी ही जरूरी है। वो समझिए कि एक अलग टाइप का मेडिसिन ही घूमना शुरू होगा। अगर ये करते हैं और आप होम्योपैथिक मेडिसिन खाते हैं, बहुत ही बेटर काम करती है। एक चीज़ और आप लोगों को बताएँ दोस्तों, डायबिटीज उन लोगों को ज़्यादा देखने को मिलता है जो ओबेसिटी, मोटापे के शिकार हैं, उन लोगों को डायबिटीज़ का प्रॉब्लम ज़्यादा है। डायबिटीज़ को ये भी आप कह सकते हैं कि डायबिटीज जो है एक लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम है दोस्तों। तो डायबिटीज़ के केस में होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप लोगों को बताया वो तो बेटर काम करती है। लेकिन अगर कोई भी मेडिसिन अगर आप लेते हैं तो नज़दीक के फिजिशियन से विचार करके खाएँ, तो ज़्यादा मेडिसिन सूट होगा दोस्तों। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।